गेम्स तो हम सभी खेलते हैं और ज़्यादातर लोग पबजी मोबाइल में ज़्यादा लगे हुए हैं और इसी के साथ साथ हर महीने वो रॉयल पास भी खरीद लेते हैं, जबकि कईयों से वो नहीं खरीदा जाता कि यार पैसे वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन 2005 में एक गेमर था मॉटगैड, जिसने $1,00,000 का एक घर बना लिया था चीज़ें वीजें खरीद के एंटोर्पिया यूनिवर्स नाम की एक गेम में, जहां पर एक वर्चुअल प्रॉपर्टी खरीदी थी बेसिकली उसने उस गेम के अंदर और वहां पर उसको बिल्ड कर दिया, जिसके बाद में यह प्रॉपर्टी उससे भी एक पगलेट गेमर ने खरीद ली $6,35,000 में। सो फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट, मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो। देखो इसको, आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। चाइना के अंदर नंबर 8 को बहुत ही ज्यादा लकी माना जाता है, जिस वजह से एक चाइनीस व्यक्ति ने करीबन $1,45,000 स्पेंड कर दिए एक नंबर प्लेट लेने में, जो कि 8888 की होती। उसको लगा कि इससे मेरा लक बढ़ जाएगा, लेकिन कॉइंसिडेंस देखिए कि उसको 8 बार ही पहले दिन पुलिस ने रोक लिया, ये समझ के कि शायद ये कोई नकली नंबर प्लेट लगाकर घूम रहा है। स्कैमर्स दुनिया भर में भरे पड़े हैं, जो कि बस किसी ना किसी को लूटना चाहते हैं, और वहाँ पर तरीके अलग अलग होते हैं। किसी को SMS किया जाता है, किसी को WhatsApp किया जाता है, किसी को कॉल की जाती है, किसी को ईमेल किया जाता है। और यहाँ पर ईमेल का ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जो ईमेल बॉट होता है, जो खुद ही रिप्लाई कर रहा होता है। उसको डिज़ाइन इसलिए किया गया ताकि इस तरीके के स्कैम मैसेजेस जब आते हैं तो इन स्कैमर्स का टाइम वेस्ट किया जा सके। और अब तक माना जा रहा है कि इसने करीबन 5 साल वेस्ट कर दिए हैं स्कैमर्स के, जो भी वो ईमेल भेजते हैं उनके रिप्लाई कर करके। ऑटोमेटिकली ही कुछ भी रिप्लाई कर देता है उनको, जिसके बाद में वो रिप्लाई करते हैं कि हाँ तुम्हें ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, जिसके बाद में ये उसको रिप्लाई करता है कि अच्छा ऐसे अब क्या करना है। तो इस तरीके से इसने 5 साल उनके पॉइंटलेस आंसरिंग करके वेस्ट कर दिए। आपको मालूम है एक खास तरीके की किताब होती है जिसको मैग्नेटिक जनरल भी कहा जाता है, और इसी के साथ साथ कुछ लोग इसको रिकनेक्ट नोटबुक भी बुलाया करते हैं, क्योंकि इसके पन्नों को आप हटा भी सकते हो, रीअटैच भी कर सकते हो, रीअरेंज भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैग्नेट लगा हुआ है। और इसी के साथ साथ इस मैग्नेट की वजह से आप अपना पेन भी इसमें अटैच कर सकते हो, अगर वो कहीं से भी थोड़ा बहुत मेटल का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सूरज हर सेकंड 6 मिलियन टन्स ऑफ मास लूज करता है ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन और इसी के साथ साथ सोलर विंड, लेकिन फिर भी करीबन 4.5 बिलियन ईयर्स में अभी भी सूरज ने सिर्फ अपने ओरिजिनल मास में से 0.05% ही लूज किया है। US के टेक्सस में रहने वाली अमेंडा हॉलिंग्स हेड एक वीडियो सर्च कर रही थी YouTube पे हाउ टू फाइंड डायमंड, जिसके बाद में ये डायमंड स्टेट पार्क इन आर्कांसिस में गई, जहां पर इनको लकीली 3.72 कैरेट का डायमंड मिल गया, येलो कलर का, जो कि काफ़ी रेयर होता है। और 2013 से लेकर अब तक इस पार्क में पाया गया ये सबसे बड़ा डायमंड है। और इसी के साथ साथ किसी भी टाइप के डायमंड जो कि 2017 से लेकर अब तक पाए गए हैं उसमें भी ये सबसे बड़ा माना जा रहा है। 1954 में सोवियत यूनियन के रॉकेट इंजीनियर शर्गी कोरलेव को इनफ फंडिंग नहीं हो रही थी गवर्नमेंट की तरफ से उनके स्पेस प्रोग्राम के लिए, जिसकी वजह से वो स्पेस प्रोग्राम चला भी नहीं पाते, जिसकी वजह से उन्होंने एक फेक न्यूज़ छपवा दी न्यूज़पेपर में कि रशिया बहुत ही जल्द एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है स्पेस में, जिसके रिस्पॉन्स में US ने भी कह दिया कि हम भी बहुत जल्द अपनी सैटेलाइट स्पेस में भेजने वाले हैं, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट को चिंता हुई और उन्होंने फंड करना शुरू कर दिया उनके स्पेस प्रोग्राम के लिए। आपको मालूम है FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मेकअप के अंदर हैवी मेटल्स को भी अलाउड कर रखा है, जैसे कि लीड, आर्सेनिक, मरकरी, इनको लिपस्टिक, आई शेडो और इसी के साथ साथ मेकअप के कई सामानों में मिलाकर बनाया जाता है। आपने मास्क तो कई बार देखा होगा, इसको बोला जाता है द गाय फॉक्स। कई लोगों को लगता है कि एनोनिमस ग्रुप का मास्क है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल इसकी कॉपीराइट का हक है टाइम वार्नर्स के पास में और वही इसको ओन करते हैं। आपको मालूम है स्विट्जरलैंड के अंदर एक सिस्टम है जिसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, जहां पर सिटीजन को अधिकार है गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करने का, मतलब कि अगर गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ें उनको पसंद नहीं आ रही है तो वहां पर नेशनल वोटिंग की जा सकती है, जिसके बाद में वो अपना खुद का भी लॉ बना सकते हैं और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट के बनाए गए लॉ को भी चेंज कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो डाली भी है।